त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मोमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेम सुखतमगधरं वागदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज जी की परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज जी की श्रीमद जैन धर्म बोली परम पूज्य वासुदेव वर्धि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य संघ की बीसवीं सदी में जिन महान आत्मा ने हमें मार्गदर्शन दिया उनके चरणों में मुनि संघ और श्रावक समाज सब मिलकर के अपने श्रद्धा सुमन चलाने के लिए तत्पर वह अवसर बहुत जल्दी ही आने वाला है। सभा के प्रारंभ में निवेदन किया गया था उस वैराग्य को जिन्होंने प्राप्त किया था और वैराग्य प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर के शासनकाल में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जिस चर्या का प्रतिपादन किया था उस चर्या का परिपालन करने वाले प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज से उन्होंने केवल चारित्र का ही पालन नहीं किया उन्होंने ज्ञान भी अर्जित किया था। गृहस्थ जीवन में वे दुकान पर वैरागी बनकर के बैठते थे वहाँ बैठते तो थे किंतु ज्ञान की शक्ति को पहचानने के लिए वे वहाँ स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय तो वर्तमान का श्रावक भी करता है पर वो स्वाध्याय अलग प्रकार का है। वो स्वाध्याय शास्त्र का नहीं है और वो स्वाध्याय वैराग्य उत्पन्न नहीं करा सकता। जितना अधिक से अधिक हम अपने स्वरूप को भूल करके और वैराग्य से वैराग्य को भूल करके संसार के पचड़े में पड़ते हैं उस तरफ ले जाने वाला है स्वाध्याय। बंधुओं जरा सोचने की बात है जो एक सत श्रावक हैं
समीचीन उनकी चर्या है, जो अपने जीवन में तीर्थों की यात्रा करते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाने का संकल्प ले चुके हैं। वे अपने घर में भी रह करके, वो घर में तो इसलिए रह रहे थे कि पिताजी का आग्रह था कि हम लोग जब सलेखना की साधना पूर्वक हमारा जीवन का अंत हो जाए, उसके बाद तुम कुछ भी करना, अन्यथा वे तो बहुत पहले ही दीक्षा लेना चाहते थे। ज्ञान जो उनके भीतर बोल रहा था, वह ज्ञान सतत निरंतर उनके प्रेरित करता था कि तुम घर में क्यों बैठे हो, दीक्षा लेने जाइए। वैराग्य उनका ऐसा वैसा वैराग्य नहीं था। जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में जूते चप्पल पहनने का त्याग कर दिया, अभी हम देखते हैं कि 5 कदम भी चलना हो तो बिना चप्पल के नहीं चल पाता श्रावक। श्रावक को यदि आवश्यकता, मुनिराज आ रहे हैं हमारे गांव में, यदि आवश्यकता पड़े, उनके ऐसी स्थिति हो तो कोई कंधे पर बिठा करके ले जाने वाला नहीं है। लेकिन शांति सागर जी महाराज ऐसा सात गौड़ा पाटिल जो थे, जब भी भोज में मुनिराज आते थे उन्हें आहार दान भी देते थे और वेद गंगा और दूध गंगा जो नदी थी उस संगम से उनको पार भी कराते थे। कंधे पर बैठा करके वे उन्हें पार कराते थे, इतना शक्तिशाली उनका शरीर था। लेकिन उन्होंने तीर्थों पर वृद्धों को समय शिखर तीर्थ पर एक वृद्ध माता को उन्होंने समय शिखर की यात्रा कराई। राजगृही आदि में अन्य तीर्थों पर वृद्ध पुरुषों को उन्होंने यात्रा संपन्न कराई। तो कहने का मतलब यह था कि वे चारित्र के प्रति लालायित तो थे, ज्ञान अर्जित कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें करुणा नाम का गुण जो है अत्यंत रूप से प्रभावित उनको कर रहा था। उन्होंने अपने साथ स्वाध्याय की सभा में एक व्यक्ति आता था, मालगौड़ा नाम का व्यक्ति उनकी साथ सभा में आता था और वो साथ सुनता था, और साथ सुन करके वो ग्रहण भी करता था। सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत धनी व्यक्ति था, अपार धन उसके पास में था, जमीन जायदाद भी उसके पास बहुत थी। लेकिन एक दिन उनके साथ सभा में वो नहीं आया। सात गौड़ा को चिंता हो गई कि आज मलगौड़ा क्यों नहीं आया। घर पहुंचे, घर में उनकी पत्नी थी, उनसे पूछा कि आज मलगौड़ा कहाँ है। वो यहाँ से तो गए हैं और आप साथ सभा में आपके नहीं पहुँचे। तो सात गौड़ा को चिंता हुई और वो समझ गए कि मलगौड़ा और कहीं नहीं होगा, अपने खेत में ही होगा। खेत की तरफ जाकर के जब देखते हैं कि उनका एक श्रावक जो कि सास ससुर ने प्रतिदिन आता था, वह फांसी का फंदा लगा के वृक्ष पर लटका हुआ है। सात गौड़ा की करुणा फूट पड़ी और उन्होंने उनको संबोधित किया और जो उनको वृक्ष से नीचे उतारा, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास किस बात की कमी,
क्या कारण है तुम ये कार्य करने जा रहे हो, इत्यादि प्रकार से संबोधित करने के बाद उन्होंने एक जीवन बचाया। मलगौड़ा का जीवन बच गया और फिर से उसने अपने कार्य में संलग्नता ग्रहण कर ली। बंधुओं, ये सामान्य बात नहीं है। आज सड़क से हम चल रहे हैं, हमारी ही गाड़ी से यदि कोई जीव टक्कर खा करके गिर गए कोई परवाह नहीं करता। यदि गाड़ी में कोई ऐसा पदार्थ लाया जा रहा है तो गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं, गाड़ी पकड़ में आ जाती है। तो बंधु, करुणा या अहिंसा कहें, करुणा कहें, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। हमारे भीतर करुणा का प्रवाह बहना चाहिए, सतत बहना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि जिन माता पिता से हमने जन्म प्राप्त किया, युवा होने पर हमारे भीतर की वो करुणा चली जाती है, उनकी तरफ भी हम देखने के लिए तैयार नहीं है। पर सात गौड़ा एक अन्य व्यक्ति थे, उनके पास उनके जीवन में उन्होंने उनकी भी रक्षा की। तो इस प्रकार परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन करुणामय जीवन था, लेकिन पर करुणा के साथ साथ आत्म करुणा की भी चिंता थी उनको, और इसीलिए उन्होंने दीक्षा धारण की थी। पर दीक्षा धारण उसी समय की, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया था माता पिता के बाद ही मैं दीक्षा धारण करूँगा, और जाकर के उन्होंने एक दिन भी देरी नहीं की। जैसे ही माता पिता समाधि को प्राप्त हुए और जो क्रियाकर्म होना था वो होने के बाद एक दिन भी घर में नहीं रुके, उसी दिन वो इस्तमनेरी गए और वहाँ से उत्तर ग्राम में जा कर के देवेंद्र कृति जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। चाहती थी, चाहा तो उन्होंने था मुनि दीक्षा प्राप्त करना, लेकिन देवेंद्र कृति जी महाराज ने कहा कि ये काल ठीक नहीं है और इस काल में समाज भी ठीक प्रकार से तुम्हारी दीक्षा का या निर्वाह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह शंकास्पद है। और फिर पहले छोटी दीक्षा लेकर के फिर आगे बढ़ना, इस कारण से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की। चार वर्ष उस क्षुल्लक दीक्षा में रहे और जो कुछ उस समय काल के प्रभाव से चर्या चल रही थी त्यागियों की, उस चर्या का उन्होंने सूत्र चलने नहीं दी और उसका उल्लंघन करके अर्थात उसका त्याग करके जो शास्त्रोक्त विधि से चर्या पालन की जाती थी, उस शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने चर्या का पालन किया और अपने आत्मा को इसलिए तैयार कर लिया कि अब मैं मुनि दीक्षा धारण करूँगा, गुरु के चरणों में गए। देखिए कितनी बड़ी बात, आज देखा जा रहा है स्वयं दीक्षित हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं स्वयं दीक्षित, पहले भी दीक्षा ले ली, अब स्वयं भगवान के सामने खड़े होकर के दीक्षा धारण की है, ऐसी बात नहीं है। और क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने भट्टारक जी से ली थी, उसके बाद मुनि दीक्षा ली तो भगवान के सामने जाकर के ली, लेकिन शांति सागर जी महाराज ने शास्त्र का उल्लंघन करना नहीं चाहा। उन्होंने गुरु देवेंद्र कृति जी महाराज के पास जाकर के ही मुनि दीक्षा की प्रार्थना की और उन्हीं से मुक्ति मुनि दीक्षा धारण की। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वैराग्य तो उनका पहले से था, वो वैराग्य सुदृढ़ रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई उनके, और उन्होंने गुरु के पास जाकर के दीक्षा धारण की। और दीक्षा धारण करके जो कुछ उन्होंने किया है सबके सामने है, कितना उपकार उन्होंने समाज पर किया है, संस्कृति पर उनका कितना बड़ा उपकार है, जनवाणी की सुरक्षा उन्होंने की है। ऐसे महान आचार्य का शताब्दी समारोह मनाने का एक पुण्य अवसर हम सबके जीवन में आया है,
उसमें किसी प्रकार की किसी भी कारण से चूक नहीं होनी चाहिए। सारे देश की समाज को हम आह्वान करते हैं कि आप सबको मिलकर के ये शताब्दी महोत्सव मनाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, और परम कर्तव्य का परिपालन करके उसे मना करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। जय परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की।